हाँ जी भाई, तो पहुंच चुके रूम पे। कुछ इस तरीके का है हमारा रूम। ये है शावर एरिया, ये है टॉयलेट, ये है क्लोजेट, ये है हम, ये है अक्की, ये है बेड, और ये अक्की सोएगा वहाँ, मैं सोऊंगा यहाँ। कोई नहीं, 3600 में 600 रुपए में दूंगा, 3000 अक्की भाई देंगे। ये है भाई व्यू, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन व्यू। धन्यवाद आकाश भाई, धन्यवाद। पेमेंट लिया है आज। हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, निकाल लिया हमने कार्ड, और कुछ नहीं है। ग्राउंड के लिए हमें कार्ड नहीं लगाना, बाकी ऊपर किसी भी फ्लोर पे जाना हो तो हमें कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर जैसे हम 7th फ्लोर पे रहते हैं तो 7th फ्लोर का कार्ड से 7th फ्लोर पे ही जा सकते हैं, और किसी फ्लोर पे नहीं जा पाएंगे। क्या कर रहे हो तुम भैया? देख रहे हैं गोरे हो रहे हैं कि काले? काले ही हो गए। हाँ, तो ये हमारे होटल का कुछ बाहर से व्यू ऐसा है, और ये बाइक फरारी। तो पहुँच चुके हैं एक चाइनीज मार्केट में। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला है जिसमें वेज मिल रहा है, सैंडविच, ओनली सैंडविच वेज में अवेलेबल है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे फ्रेश जूस भी अवेलेबल है, और ये रहा अक्की। तो हमने करा है सैंडविच ऑर्डर, और 20 मिनट में हमारा जो ड्राइवर है वो आने वाला है, जो हमें सवारी लेके जाएगा। तो जल्दी से खाते हैं और मिलते हैं आपसे गाड़ी। यहाँ भाई बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं अपने इंडिया से कंपेयर करें तो। मतलब जितना यहाँ का नॉर्मल एरिया डेवलप्ड है, उतना हमारे वहाँ का सबसे पॉश एरिया डेवलप्ड है। यहाँ पे हर जगह चार्जिंग पॉइंट है, और एक बहुत समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे कहीं भी अपना जो इंडिया में पावर सॉकेट चलता है वो नहीं मिल रहा है हमें। और यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल का है तो उसमें घुस नहीं रहा है हमारा। और जो प्राइस है उसका, जो खाली कन्वर्टर एक छोटा सा उसका, 30-40 वाली, हमारे वहाँ यहाँ भी 30-40 की है, यानी 500 रुपए की पड़ रही है हमें वो यहाँ। हाँ जी भाई, तो पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी में। इसमें सबसे पीछे बिठा दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ही वाहियात लग रहा है पीछे बैठना, बट कोई नहीं भाई। हाँ जी, तो पहला स्टॉप हमारा आ चुका है। यहाँ पे आपको स्कॉप या शॉप करना हो वो कर सकते हो, वॉशरूम वगैरह के लिए ब्रेक मिलता है यहाँ पे, और एटीवी चलाने के लिए मिलता है। ड्यूज पे एटीवी आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हो, उसके चार्जेस अभी पता करते हैं हम कितने चार्जेस हैं। अभी भी हम तो दुबई दुबई ठीक है, पत्थर टेकने जा रहे हो ना? टाइगर अभी जिंदा है। बहुत ही क्रेजी मज़ा ही आ गया, मतलब स्टिल बैठा नहीं जा रहा था। और ये रही हमारी गाड़ी, और ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको। तो भाई ये सारा ड्यून्स है जहाँ पे एटीवी चलती है, और छोटी एटीवी का रेट है 150 दिरहम, और अगर आप एक ही एटीवी पे दो जने बैठते हो तो उसका है 250 दिरहम, और बड़ी वाली है 600 दिरहम की, और सबसे बड़ी वाली है 1200 दिरहम। और जो ये हमने बांधा है अभी सर पे, इसकी कॉस्ट है 35 दिरहम, जो कि हमारे इंडिया में मिल जाता है 100 रुपये का मैक्सिमम, और बर दुबई में भी ये मिल जाता है 10 दिरहम का, बट ये जगह की बात अलग है, तो इस वजह से इनके रेट महंगे हैं। कैंप पे पहुँच चुके हैं, ये कुछ इस तरीके का कैंप है हमारा। ये टी कॉफी कॉर्नर है, शीशा कॉर्नर के लिए सेटिंग है। यहाँ बीच में बैले डांस होगा, ये बूफे लगा हुआ है, इस साइड अंदर डिनर है और ये स्नैक्स है। सामने वो VIP लाउंज है, उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा पे करके आप सारी सुविधा जो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि जो नॉर्मल लोग हैं जो नीचे बैठ रहे हैं उनका है, जो हमारा पैकेज था जैसे 100 दिरहम का हमारा पैकेज था पर हेड, तो उसी में ये चीज़ें सब इंक्लूडेड है। बट अगर आपको अपग्रेड करना है VIP में तो 50 दिरहम और दो। ये पर्ची है भाई VIP लाउंज की, 50 रुपये पर पर्सन, और फ़र्क है इतना कि वहाँ पे नॉर्मल वाले में वहाँ बैठते हैं, इनमें सोफे पे बैठते हैं, शो होंगे
और हमारी सीट है वहाँ पे। बंद हो गई लाइट, एक घंटा डिले है। तो भाई कैमल राइड हो गई है स्टार्ट। और हाँ भाई कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, दो मिनट वाली कैमल राइड एक राउंड में खत्म। मल्लू ना साउथ वाले नहीं भाई, सब स्कैम है, कोई भी आईपी वीआईपी कुछ नहीं है। जो चीज़ वहाँ मिलती है जिस टाइम पे शुरू हुई थी वहीं पे, यहाँ पे भी सेम टाइम पे शुरू हुआ है, सेम चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। बस ये है कि सोफ़ा मिल गया आपको। हाँ जी भाई साहब, तो हो गया है शो ख़त्म, तीन शोज थे ये, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। तो अब हम इसे जंप स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी लैंड क्रूजर से। ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं भाई, आज की थोड़ी हैं गाड़ियाँ, ये 12-12, 13-13 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। हाँ जी भैया, तो हम आ गए थे सफारी से वापस और फ़ोन हो गया था डेड बिल्कुल। अब थोड़ी देर फ़ोन चार्ज किया है, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे है यूरोपियन सॉकेट्स और हमारा इंडियन सॉकेट। तो अब हम जा रहे हैं सॉकेट लेने, दिन में भी ढूंढा था नहीं मिला था। हाँ जी भैया, तो मिल चुका है हमें हमारा जुगाड़। और ये भाई हैं बांग्लादेश से जिनकी ये शॉप है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, बहुत चीप है, 5 दिरहम का हमें मिल गया है ये। और भी पूरी बहुत सारी चीज़ों की मार्केट है यहाँ पे भाई, यहाँ तो तगड़ी मार्केट है। ये ड्रैगन मार्ट के अंदर सारा चाइनीज स्टफ आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी भूख लगी थी भाई, तो मैकडी से एक बर्गर ले लिया है, और मैकवेजी के अलावा कुछ मिलता नहीं है। भाई को भूख नहीं लगी है, भाई कुछ नहीं खा रहे हैं, भाई को नींद आ रही है, भाई जाके सोएंगे सीधा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज day 4 है हमारे ट्रिप का, और कुछ ऐसा व्यू है हमारे विंडो से। 8:30 हो चुके हैं, 8:10 तो जब हो रहे थे जब मैं बिल्कुल उठा था। तो अब हम जा रहे हैं जिम। वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, बढ़िया मज़ा आया अकेले जिम करने में। तो अब जा रहे रूम में, नहाते हैं धोते हैं फिर निकलते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं आज के। हाँ जी भैया, तो रेडी हो चुके हैं। तो कुछ आउटफिट आज का ये है, सेम शूज़, सेम जीन्स, शर्ट नहीं, क्योंकि इस वाइट शर्ट को पहनने के लिए मेरे पास कोई और दूसरी जीन्स नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा इसे आज ही पहन लेते हैं, जीन्स यहाँ गंदी हुई नहीं अपनी, कपड़े बहुत साफ रहते हैं यार, यहाँ पे गंदे नहीं होते हैं। तो अब निकल रहे हैं हम दुबई क्रीक के लिए। क्रीक है। हाँ हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं बस में। ये आप देख रहे हो डब्बा जो लगा हुआ है यहाँ, ये है नॉल कार्ड को स्वैप करने का। तो इसमें आपने कार्ड एक बार टैप करना है, आप चढ़ जाओ, और फिर वो जब भी आप डिपोर्ट करोगे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में से। भाई बहुत ही साफ सुथरी बस है, ये ड्राइवर कैबिन है। चोरी चकारी नहीं होती इसलिए बैग स्कैनर नहीं है यार, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। कुछ नहीं, बम लेके घुसते हैं। ये भाई यहाँ का मैप है, हम 11 नंबर से चढ़े हैं और 23 नंबर पर जाना है, तो हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। गोल्ड सूप पहुँच चुके हैं, और कुछ इस तरीके का यहाँ का मेट्रो स्टेशन, और ये गुमक कड़क की, और ये बिल्कुल बाहर उतरते ही बस स्टॉप है, और ये पुरानी पुरानी टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। हाँ जी, ये ओल्ड दुबई है। कितना गोल्ड चाहिए? पैसा भेजो, गोल्ड लूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, माय अकाउंट नंबर। भाई
यहाँ से रोड पार करने के लिए सबवे बनाए हुए हैं भाई। सबवे का भी लुक बहुत बढ़िया है हमारे इधर। यहाँ पे बीच रोड पर सही रोड पार नहीं हो जाती भाई, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। किस चीज़ पे आपका चलान कट जाए आप सोच भी नहीं सकते भाई। कुछ इस तरीके का दिखता है ओल्ड दुबई, थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ से सिमिलर है, बस थोड़ा सा हमारे यहाँ से ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट है। काम वही है चांदनी चौक वाला ही सारा। तो भाई प्योर वेज रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जो कि है आराधना साउथ साउथ इंडियन। खाना हो गया था भाई डन, अब जा रहे हैं गोल्ड मार्केट की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या गोल्ड का प्राइस है। हाँ जी भैया, तो शॉपिंग हो चुकी है, पकड़ लो आइए पकड़ लो, क्योंकि हमने पहन लिया अपने हाथ में। रेट हमें इंडिया से सस्ता मिला है, ऑलमोस्ट हमारे लगभग 21,000 रुपये बच गए हैं। ये हमने 20 ग्राम गोल्ड लिया है, और अगर हम यही 20 ग्राम गोल्ड इंडिया से लेते तो लगभग 1.5 लाख का पड़ता, और यहाँ पे हमें 1.30 का पड़ा। तो कुछ इस तरीके की मार्केट है। चेन भी ले लिया हमारे भाई ने, क्या पूछूं चल ठीक। तो सोना वाले से लिया है अक्की ने अपनी चेन, और नेशनल से लिया है मैंने ब्रेसलेट। सोने में जो हैवी वेट अगर आप ले रहे हो 10 ग्राम के आसपास तो फ़ायदा है, छोटी चीज़ में फ़ायदा नहीं है, जैसे अंगूठी अंगूठी ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। ये भाई पूरा कॉम्प्लेक्स है गोल्ड सूक का, ये नया बनाया है, वो पुराना ओल्ड गोल्ड सूक था, ये नया है। ये भाई इन्फिनिटी फ्रिज है जो कि कनेक्ट करता है ओल्ड दुबई को। तो भाई ये है यहाँ का कैनाल जिसमें यहाँ से बोट राइड होती है वहाँ से ओल्ड तक के लिए। बोट जिसमें हम जा रहे हैं, तो भाई कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे, एक बारी में मेरे ख्याल से 20 लोग जाते हैं। हवा बहुत प्यारी चलती है जब आ रहे हैं। बढ़िया ही एक्सपीरियंस था वो है नया दुबई, ये है ओल्ड दुबई। ये तो पता ही नहीं था हमें कि बोट से हम बर दुबई पहुँच जाएंगे जहाँ हमें इतना ट्रैवल करने के जाना पड़ता। ये तो 3 मिनट में पहुँच गए। ये है ग्रैंड सोक बर दुबई, ये रास्ता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सारे मिलते हैं बर दुबई के। और ये रोड जा रहा है स्टारबक्स के लिए जहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे। सारा भाई यहाँ का ऑथेंटिक सामान यहाँ पर मिलता है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है भाई। पुराने ज़माने की जो अलादीन में देखते थे हम, वो वाला एनवायरनमेंट आ रहा है बिल्कुल पूरा। भाई ये है वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग LLC, दोनों भाई जो रील्स पे आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। मार्केट से थोड़ा सा अलग है, जो मेन मार्केट है वो इसकी दुकान के पीछे है, मतलब कि उस गली के पास। तो भाई ये है ड्रीम सिटी, और एक उससे आगे है यूरोजोन। यूरोजोन में और ड्रीम सिटी में कितने का फ़र्क था? 50 का, 50 ड्रम का फ़र्क था। तो हमने यहाँ से लिया है, ये है सिटी टॉक, क्या लिया है ये नहीं बता पाऊँगा मैं, बट ले लिया। चाउमीन कैसी लग रही है भाई? भैया अभी तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वैसे ट्रांसफ़र कर रहा है आगे देख बता क्या है। ये तो नहीं बता रहा भाई, मैं ही बता देता हूँ कैसे। मैं आईफोन का टेस्ट बताऊंगा भैया, चार्ज भैया आज आपको मसाज दे दूंगा भैया। बैक नहीं, फुल बॉडी देता हूँ, 4080 की फुल स्पाइसी है भाई साहब, जो बात है। कौन से मोमो है? सोल मोमो। सो सोल मोमो, तो भाई सो मोमो ट्राई कर रहे हैं हम, और प्योर वेज हैं। अब निकल रहे हैं यहाँ से स्टारबक्स के लिए, क्योंकि अभी हमने पता किया स्टारबक्स है उस साइड। हम खामा खाई इतनी दूर इधर को जा रहे थे, हमें लगा उस साइड है, क्योंकि जिस साइड हम उतरे थे जस्ट उसके लेफ्ट जाना था, और हम जब से राइट राइट चले जा रहे थे, बट कोई नहीं, देर आए तो उस साइड ढूंढ ही रहेंगे स्टारबक्स। ये भाई नेपाल से हैं भाई। इस वाली लेन में ये लोग आपको रोक रोक के आओ सर आओ 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 सर खाओ 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 करे जा रहे हैं, मतलब हाथ गले पकड़ रहे हैं यार ये, कि भाई साहब कुछ खा के जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, लास्ट पीछे खा लिया, कह रहे यार अगली बार जरूर आना हमारे खा के जाना, एक एक दिन अलग अलग लोगों के खाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, स्कीम बता दी तूने, अब आगे से याद रहेगा भाई। रात में बहुत बढ़िया लग रही है मार्केट, बहुत सारी लाइटिंग वगैरह सब चल गया है। भाई यहाँ से अभी 15 मिनट की वॉक है, और इसे लौंडे को यूँ लग रहा है
कि एक कॉफ़ी के चक्कर में इतना क्यों चलवा रहे हो भाई, यहीं कहीं पी लो, बट वहाँ कॉफ़ी के लिए नहीं, फील के लिए जा रहे हैं। तो रास्ता कहाँ से है, ये है मंदिर का रास्ता, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये साईं बाबा का मंदिर है और बहुत ही बढ़िया बना रखा है। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। अंदर सारा प्रसाद वरसाद की शॉप, मतलब अंदर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं दुबई में हूँ, अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं शिरडी पहुँच गया हूँ। और अंदर एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें जो सीधा शिरडी से लाइव चल रही है, और यहाँ पे जो बाबा की मूर्ति है वो भी बहुत प्यारी है, और साथ में शिवलिंग भी रखा हुआ है, माता की भी तस्वीर है, हनुमान जी की भी मूर्ति है, मतलब लगभग सारे भगवान अंदर रखे हुए हैं, विराजे हुए हैं। और भाई लिटरली बहुत ही दूर था, थक गए, ये तो क्या ना सुबह से बैग कैरी किया हुआ कंधों में, तो कंधे दुखने लग गए हैं। हाय, अब पीते हैं कॉफ़ी, फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी। भाई अब थोड़ी देर में ही हमारा अखीर होने वाला है, क्योंकि अभी और यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, ऑलमोस्ट देर है। बस मेरी तरफ से क्यों है, तेरी तरफ से आज प्रकाश। तो भाई पहुँच चुके हैं हम स्टारबक्स में, धन्यवाद साहब, जिसका बहुत देरी से इंतज़ार था, लेकिन यार इन्होंने मेरे साथ स्कैम कराया, इन्होंने मेरे साथ स्कैम करा भाई, इसमें आधा कप ही भरी है यार, झाग ही झाग है इसमें। यहाँ पे कॉफ़ी पड़ी है 51 दिरहम्स की, एक कैपेचिनो और एक फ्रैपेचिनो। तो भाई वर्ल्ड का मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्टारबक्स हमारा हो गया है चेक, तो अब हम जा रहे हैं इस भाई का फ़ोन लेने, बड़ा पीछे पड़ा हुआ है कि फ़ोन दिलाओ फ़ोन दिलाओ फ़ोन दिलाओ, तो अब हम इसे जा रहे हैं फ़ोन दिलाने, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ड्रीम सिटी या फिर कहाँ से, जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से भी ले सकते हैं। यस, नहीं वहाँ पे महंगा भाई, वहाँ महंगा। और गाइस कमेंट भर देना, फ्री का फ़ोन दे रहे, थैंक्स लिख देना मेरे तरफ से भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ।